लिए जम्मू की और कश्मीर के लिए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजद ने, हाईकमान ने जो स्टैंड ले लिया उसको आज तमाम पार्टी के बुनियादी अकाली ने एंडोर्स किया। हम उसके साथ हैं कि ये रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल है, दिस नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी पैरामीटर्स सेट बाय द कंट्री इटसेल्फ, क्योंकि जो 2011 का सेंसस है उसके मुताबिक 10 साल पॉपुलेशन कश्मीर में ज़्यादा है, उस हिसाब से फैसला होना चाहिए जो कि नहीं हुआ। ज़्यादा जो पार्टी हाईकमान ने, डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने स्टैंड ले लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर अकाई उसके साथ है, उसके पीछे है, और हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसमें जो डेमोक्रेसी को मर्डर किया गया, डेमोक्रेसी का मैसेज किया गया, जो लोगों का हक बनता है, लोगों की वॉइस को दबाया गया, और वो चीज़ें की जा रही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी हैं, डेमोक्रेसी के मुनाफी हैं, और माइट के जोर पे, ताकत के जोर पे चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाता है, और उसमें पैरामीटर्स को, रूल्स को, प्रोसीजर को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में जो हमारा स्टैंड है, हमारे लीडर का, डॉक्टर साहब का, उमर साहब का, वे आर फुली सपोर्टिंग स्टैंड, और इसके लिए हम बाजायदा बात करेंगे यहाँ पार्टी में। और आज पी एच डी ने इसमें 1 जनवरी को प्रोटेस्ट भी रखा है, साइलेंट प्रोटेस्ट, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा सहयोग करेगी, पूरा साथ देगी कि लोगों के, कब तक लोगों के जमहूरी हकूक को पामाल किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखसूस वाली के बाजी के लोगों को किसान एम्पावरमेंट दी जाती है, इन चीज़ों को हमने कन्वे किया है अपने हाईकमान को कि पूरी जमात आपके साथ है, तमाम तीनों के लोग आपके साथ हैं, और जो कल जो फैसला हुआ उसको टोटली दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज मर्डर ऑफ द प्रोसीजर एंड द पैरामीटर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इट्सेल्फ। अगली क्वेश्चन सवाल है सर, सर 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 सागर साहब, आपका दूसरा कदम क्या रहेगा, क्योंकि ये चीज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड पहले ही थी, डेलिमिटेशन अगर है तो वो इसलिए है कि इसको डाइवर्ट किया जाएगा जम्मू की तरफ ज्यादा, यहाँ इसको नेक्स्ट किया, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेस्ट? इट्स अ गुड क्वेश्चन, जरूर होगा, क्योंकि जब हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने कहा, कल आज हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है मसूदी साहब, उन्होंने कहा कि 28 को उन्होंने डेट दिया हमको, हम अपना स्टैंड देंगे उसमें जो हमारा स्टैंड है इसके बारे में, तो उसके बाद जो ऑप्शन होगी वो पार्टी बैठेगी, उसमें बहुत ज़्यादा फैसला करेंगे, जो होगा वो आपके सामने रखेंगे। सर कल कुछ खबरें ये भी आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पैरामीटर सेट रखे गए हैं कमीशन की, तो उसको सराहा है, लेकिन दूसरी जानब आप यहाँ पे इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और पीएचडी की मीटिंग भी आज हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट रखेंगे, तो वो जो कल खबर आई थी उसके बारे में क्या? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने दुश्मन हैं से, जिन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक गलत मेल में पेश करना चाहा। आप कल देखेंगे कुछ लीडरों ने ऐसा बयान दिया था जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया, ऐसी सिचुएशन एक क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हुए। जब असल बात सामने आ गई, जब ये आ गया कि वहाँ डॉक्टर ने क्या बात कही है, उसने कहा वी आर नॉट बी सिग्नेटरी टू दिस रिपोर्ट, तो उसमें जो लोगों ने बात की थी वो खुद नंगे हो गए, जो एक मनीषा ने बात की थी उसको शर्म नहीं उठानी पड़ेगी, जब ये बात हुई नहीं, और एक मनीष से बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मनीष से बात करता है, जब जो कि बिल्कुल गलत बात है, जो कि सच पे मामला नहीं है, लिहाजा उन्होंने कोशिश की थी ये इंप्रेशन देने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना तेवर अपना रंग बदल दिए, लेकिन वो फेल हुई। आज के न्यूज़ पेपर में सारी बात आई है, और जो हकीकत है वो सारी उन्होंने रखा है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, मसूद साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उमर साहब ने कितने बजे ट्वीट किया, उसमें क्या कहा, वो सारी बात हमने बता दी। सर जो प्रोटेस्ट 1 तारीख को होने वाला, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि बाकी पार्टियां भी उसमें शिरकत करें जो कि पीएचडी में नहीं है? जो पीएचडी ने फैसला किया वो फोरम अलग फोरम, उसमें सब जमाते हैं, माओवादी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी जमाते हैं,
तो उसने हमारे लिए जो डायरेक्शन होगी हमारे लीडर की जो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में करना है जो हमें डायरेक्शन हम उसको फॉलो करेंगे सागर साहब। कुछ दिन पहले उमर साहब ने ये बात शायद बांडीपोरा में दोहराई थी कि डेलिमिटेशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक पर चल रहा है इसलिए कि ताकि कल को असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया जाए कि डेलिमिटेशन में देखे कि जो फेवर हो रहा है वो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल को भी हो रहा है, कल को हाईकोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी उसको पेश किया जाएगा क्योंकि आपकी एमपीज की तरफ से जो रिट वहाँ दायर हुई है उसको भी कल वहाँ रद्द किया जाएगा इसी बुनियाद पर कि जो डेलिमिटेशन है इसमें जो ज्यादा फॉल उसकी तरफ दिखाया जाएगा जम्मू रीजन की तरफ तो वो भी एक कमजोरी बन सकती है। वो हमने बार बार कहा तो उमर साहब ने कहा कि इसलिए हम कहते हैं यहाँ डिवाइड डिवीजन किया जाता है, पार्टी बनाई जाती है कि अगर लोगों को देना है एक पार्टी को वोट दें ताकि वो फैसला लें जो इस बात को एंडोर्स करें कि ये जो प्रोसेस है ये गलत किया गया, जो 370 को खत्म किया वो गलत किया गया, जो 35A को खत्म किया गलत किया गया, तो वो पार्टी स्टैंड लेगी उसमें जब वो उस तरह की पोस्ट पैटर्न होगी वो आप भी देखें हम भी देखें आने वाले वक्त। सागर साहब आप ये बताइए इससे क्या सियासी असर पड़ेगा कश्मीर पर, वादी कश्मीर में जो मुस्लिम आबादी यहाँ है, तो थोड़ा वो समझाएं लोगों को। सियासी असर पड़ जाएगा, लोग समझेंगे कि हमें क्या ये समझते हैं पैटर्न, हमें क्या समझते हैं इंसान समझते हैं क्या समझते हैं, हमारे पावर को डाटा ज्यादा जाता है उन पर हमारे हुकूमत के बुनियादी हुकूमत पे सियासी हुकूमत पे तो लोग समझेंगे, वो लोग समझ रहे हैं और कल में दिस आल्सो डेट्रिमेंटल फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। तो आपको लग रहा है फिर ऐसा अगर ये बट सारा एक्शन होगा तो फिर यहाँ का चीफ मिनिस्टर के भी बनेगा कश्मीर रीजन से, जैसे जो कश्मीर रीजन यहाँ की फिलहाल इनके इरादे जाहिर है, जो कल उन्होंने रिपोर्ट दिया उसके इरादे जाहिर है, ये एक पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल एजेंडा अपना सेट कर रही है। Thank you.